मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। ये वायुमंडल टॉपिक का जो है मैंने टेस्ट कराया, 20 प्रश्न दिए थे। देखो ऐसे धीरे धीरे प्रश्नों की एक श्रृंखला तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएगी। ये 20 प्रश्न जो है यहाँ हम हल कराएंगे अभी, तो पूरा टॉपिक तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने शायद वायुमंडल को 2-3 बार पढ़ा दिया है, वैसे तो हर टॉपिक वाइज पढ़ाया है, फिर बाद में कंप्लीट जो है पूरा एक कंपाइल करके सारे टॉपिक को इकट्ठा एक दिन पढ़ाया है, तो इसलिए सब लोग अपने अपने मोबाइल को खोल करके प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और उसमें इसको समझते हुए चलेंगे और उत्तर अभी आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का है। लेकिन इतना सरल प्रश्न नहीं आता है, ये छोटी छोटी परीक्षाओं में इतने सरल प्रश्न आएंगे। प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार का बनेगा, जो सिविल जैसे परीक्षाओं में, वहाँ पर जो है ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा, फिर कहेगा इनको मतलब अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लगाओ, इस टाइप से। अब ऐसे कठिन प्रश्न धीरे धीरे हम बनाएंगे, तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है बी वाला है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कम से कम 4 इसके गैसों की 4 अवरोही क्रम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सबसे अधिक नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे क्या है ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे क्या है ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्या है ऑर्गन है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तीसरे नंबर पे ऑर्गन है और चौथे नंबर पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये 4 का क्रम याद होना चाहिए, प्रश्न यहाँ से बनेगा। और इसी में लोग गलती करते हैं, तीसरे नंबर पे किसको ले आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन है कौन सा ऑर्गन गैस है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों या परतों यानी जो लेयर्स हैं वायुमंडल के, उनको सही क्रम में लगाना है। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, तो आप इस तरीके से आपको एकदम कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये पृथ्वी हमारी और ऊपर बढ़ते हुए क्रम में हमारा कौन कौन सा मंडल है। सबसे पहला कौन सा मंडल होता है क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पे कौन सा मंडल है समताप मंडल, तीसरे नंबर पे कौन सा मंडल है मध्य मंडल, चौथे नंबर पे आयन मंडल और पांचवें नंबर पे बहिर्मंडल है। ठीक, ये क्रम याद होना चाहिए। और इसी में जो क्षोभ मंडल है वो सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, इसी मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। और समताप मंडल किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन गैसें पाई जाती हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है मंडल है ज़्यादातर। हाँ, प्लेन जो है वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे, क्षोभ सीमा में उड़ते हैं, जो जहाज हैं क्षोभ मंडल चूँकि डिस्टर्बेंस वाला मंडल है, इसलिए लंबी दूरी के जो प्लेन होते हैं वो क्षोभ मंडल को क्रॉस करके उसकी ऊपरी सीमा में जाते हैं, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तीसरा प्रश्न है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो मंडल है क्षोभ मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 12-13 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है 14 किलोमीटर के आसपास, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है कम हो जाती है 8 किलोमीटर के आसपास। कारण क्या है, ध्रुवों पर दबाव ज़्यादा है, ध्रुवों पर प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो है गैसें भारी होकर के नीचे आ जाती हैं, इसलिए जो क्षोभ मंडल है वो न्यूनतम ऊंचाई है उसकी, कहाँ पर ध्रुवों पर, जो ध्रुव मतलब ये पृथ्वी हमारी, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, तो क्षोभ मंडल इस तरीके से होगा, ऐसे इस तरीके से होगा, यहाँ कम होगा ऊंचाई और ध्रुवों इस पे विषुवत रेखा पे ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो ये याद होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है मतलब स्थित है, किस ओजोन परत किस मंडल में लोकेटेड है, तो समताप मंडल में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समताप मंडल में अवस्थित है, लगभग जो है 35-40-45 किलोमीटर की ऊंचाई पे। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान
यानी हाँ कौन से पे, हाँ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, मैंने बताया भी था, इसका कंसेप्ट भी क्लियर कराया था। भूमध्य रेखा पे सूर्य, देखो ऐसे समझ लो इसको एक बार और, जो हमारी पृथ्वी है इस तरीके से है, और सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधा मतलब लंबवत चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही रहता है सूर्य। तो रहना तो विषुवत रेखा पे चाहिए सबसे अधिक तापमान, क्योंकि यहाँ उभार भी है और यहाँ सीधी किरणें हमेशा पड़ती हैं, तो सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे होना चाहिए। लेकिन विषुवत रेखा पे ना होकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है, दक्षिणी में भी नहीं, उत्तरी अक्षांश में होता है। कारण क्या है कि एक तो विषुवत रेखा के आसपास पानी है, स्थल मंडल की अपेक्षा जल मंडल ज़्यादा है, तो यहाँ वर्षा हो जाती है, वर्षा हो जाएगी तो तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थल मंडल अधिक है, क्या है, स्थल मंडल अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो वहाँ जल मंडल अधिक है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम तापमान ना होकर के 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल तो दक्षिण में भी पाए जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी, लेकिन यहाँ पर जो है, अब आपने सहारा का मरुस्थल देखा होगा जो उत्तरी गोलार्ध में, ना दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। तो इस तरीके से जो है कर्क रेखा के आसपास जो है दुनिया के सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, इसलिए कर्क रेखा के आसपास 20-21-22 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के आसपास तापमान सर्वाधिक पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, ये कारण है। छठा प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो, हाँ अब देखो, इस प्रकार के प्रश्न में बता रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं इसमें ये IAS में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दो कथन दे देगा या तीन कथन दे देगा, फिर कहेगा उनमें से एक सही है, उनमें से दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कथन दिया है, दो कथन दिया, सौरिक विकिरण दीर्घ तरंग दैर्ध्य के माध्यम से होता है। मैंने पढ़ाया था सौरिक विकिरण किस तरंग दैर्ध्य से होता है, लघु तरंग दैर्ध्य से, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, यहीं पर पकड़ना है, लघु तरंग दैर्ध्य से होता है ना सौरिक विकिरण। मैंने अच्छी तरीके से समझाया था कि ये तरंग दैर्ध्य है, ठीक, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य, और जब ये एम्पलीट्यूड होता है, जब दो एम्पलीट्यूड के बीच में दूरी कम होती है तो लघु तरंग दैर्ध्य होता है, और जब उसके आयाम में इस तरीके से दूरी अधिक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य। भौमिक विकिरण जो होता है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के माध्यम से होता है, और सौरिक विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य के माध्यम से होता है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा क्या है, भौमिक विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य के माध्यम से होता है, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। इस टाइप से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। आइए इसमें प्रश्न नंबर 7 है, सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है। मैंने बताया था नॉर्मल लैप्स रेट, जब ऊंचाई बढ़ती है तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है, कम होती जाती है। तो किस दर से कम होती है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अथवा 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। दोनों मैंने बताया था, समझाया था और लिखाया भी था उसमें। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, या फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कितना कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। ये नियम है, भौतिक नियम क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, घटता है, कम होता है। लेकिन जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। 8वां प्रश्न, निम्न अक्षांशों में से किसे अश्वाक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी इस पे मैंने। तो कौन से अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, 30 डिग्री को। 30 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्वाक्षांश कहते हैं। बताया था ना मैंने कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री का अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री का अक्षांश। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हवाएं उतरती हैं, यहाँ पर हवाएं उतरती हैं तो यहाँ उच्च दाब बन जाता है। क्या बन जाता है, उच्च दाब बन जाता है। और पहले के जो नाविक होते थे पाल युक्त जहाज से नाव लेके चलते थे, तो अरब के व्यापारी घोड़ों का व्यापार करते थे, अरबी घोड़े बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुआ करते थे उस समय। जितने भी राजा महाराजा होते थे खास करके भारत वगैरह के, तो घोड़ों का आयात कहाँ से करते थे, अरब देश से, घोड़े घोड़ियों का आयात वहाँ से करते थे। तो पालयुक्त जहाज से जब ये जहाज से लदे हुए, मतलब ये घोड़ों से लदे हुए जहाज जब 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पहुँचते थे
तो उनमें हवाओं के दबाव के कारण जहाज उनका क्या होने लगता था, डूबने लगता था। हवाओं के दबाव के कारण जहाज उनका डूबने लगता था। तो नाविक को लगता था, जो व्यापारी होते थे उनको लगता था कि इसमें घोड़े लदे हैं इसलिए नाव हमारी डूब रही है। बस घोड़ों को क्या कर देते थे, पानी में कुदा देते थे कि घोड़े तो तैर तैर करके चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस अक्षांश का नाम क्या पड़ गया, अश्वक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। समझ गए, तो ये वाला सही हो जाएगा। नवा प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर भी दो कथन है। पहला कथन है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी तो कौन सा बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कोरियोलिस बल, यानी हवाएं जो है डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कोरियोलिस बल के कारण हवाएं क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी उनमें विचलन आ जाता है। दूसरा कथन है, फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। गलत है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं, दाईं ओर मुड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये किसने कहा था, फेरल ने कहा था। तो फेरल का नियम किस पर आधारित है, कोरियोलिस बल पर आधारित है। फेरल का नियम किस पर आधारित है, कोरियोलिस बल पर आधारित है। तो इसलिए इसमें जो है पहला, केवल पहला सही होगा, अर्थात कौन सा सही है, ये वाला सही है। दसवां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। अब दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी सीधी दिशा में ले जाकर के किधर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। ये किसने कहा था, फेरल ने कहा था। तो इसका कारण क्या है, तापमान, चुंबकीय बल, पृथ्वी का घूर्णन, दाब। पृथ्वी का घूर्णन भाई, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो इसलिए कभी भी प्रश्न हल करो जो अपना इस प्रकार से दाएं बाएं दो प्रश्न एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों प्रश्न देखो, ऊपर वाला प्रश्न नीचे वाला प्रश्न, अगर एक आपको नहीं आता होगा तो दोनों गलत करोगे, एक नहीं आता होगा तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, दोनों गलत करोगे। परीक्षाओं में कभी कभी दो तीन प्रश्न एक ही टॉपिक से आ जाता है, इसलिए गोला सर्किल भरने से पहले प्रश्नों को देख लो, हो सकता है तुम्हारा उत्तर उसी प्रश्न पत्र में मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर प्रश्न पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे देखा तुमने, मतलब दसवें प्रश्न पे, मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक से संबंधित दूसरा प्रश्न आ गया बीसवें प्रश्न पे। अब बीसवां प्रश्न जैसे ही पढ़ा तुमने तो समझ में आ गया, अच्छा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब तुम पहला वाला प्रश्न भी जो था उसको भी सही कर दोगे, इसे भी सही कर दोगे। इसलिए घेरा करने से पहले, जो ओएमआर शीट मिलती है उसमें घेरा करने से पहले सारे प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह से देख लो कि कोई टॉपिक एक दूसरे, मतलब एक से अधिक प्रश्न तो नहीं आए उस टॉपिक से, तो अपने आप ही वो प्रश्न सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, उपोष्ण उच्च दाब में उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवने। अब देखो, हाँ इसमें नहीं, इसमें देखो ये समझो किस तरीके से इसको समझना। देखो मैंने एक चित्र बनवाया था, एक चित्र इस तरीके से बनाया था मैंने पृथ्वी का, जिसमें विषुवत रेखा पे निम्न दाब था, कौन सा दाब था, निम्न दाब था, और इसके ऊपर जो है कौन सा था, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब, हाई प्रेशर, और उप ध्रुवीय क्या था, लो प्रेशर था, निम्न दाब था, और ध्रुवीय हाई प्रेशर था। ये बनाया था ना, तो हवाएं मैंने बताया था उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। तो इस तरीके से जो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की तरफ चलती हैं हवाएं, कौन सी हवाएं होती हैं, व्यापारी। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ हवाएं जो चलती हैं उसको कौन सी हवा कहते हैं, पछुआ हवा। और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाएं कौन सी हैं, पछुआ हवाएं। कौन सी हवाएं हैं, पछुआ हवाएं, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। और ध्रुवीय उच्च दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से उपोष्णकटिबंधीय निम्न दाब की ओर हवाएं जो चलती हैं उसको कौन सी हवा कहते हैं, ध्रुवीय हवाएं। तो ये तीनों ऐसे बना करके कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए इसको, ठीक है, तब याद रहेगा। अगला प्रश्न 12वां, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब इसमें मिलान करना रहता है, देखो इसको समझ लो, इसमें जो पहला मतलब ऑप्शन होगा उसमें ए बी करके एक साइड में होगा और दूसरे साइड में उस एक दो तीन चार करके ऐसे ऑप्शन रहता है, हाँ फिर मिलान कर किया जाता है, बी होगा फिर मिलान किया जाता है। कूट में क्या रहता है, इसका उत्तर दिया होता है, कूट में क्या रहता है, उत्तर रहता है। जैसे इसमें दिया है ए बी सी डी में, ए में फोन दिया है, बी में चिनूक दिया है, सी में सिरोको दिया है, और डी में लू दिया है। तो अब आपको दूसरे वाले सूची में देखना है कि फोन जो है वो कौन से नंबर पे है, मतलब कौन से नंबर पे उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आल्पस पर्वत में बहती है, कहाँ बहती है, आल्पस पर्वत पे बहती है फोन, तो ए का क्या हो जाएगा,
दो। अब कूट में आपको देखना है कि ए वाले में दो कहाँ पे है, कूट में आप देखो अपने उसमें प्रश्न पत्र में कि ए वाले में कहाँ पे जो है दो दिया है, तो बी वाले में। अब यहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आगे देखो ही मत, आपको एक ही ऑप्शन में मिल गया कि ए में दो सिर्फ किस पे दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, इसके अलावा किसी में नहीं दिया है, तो आप बहुत सरल हो जाएगा, आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक ऑप्शन में मिलता है, मतलब अगर मान लो दो दो ऑप्शन में मिल गया तो फिर आपको आगे देखना पड़ेगा। अब कह रहा चिनू, चिनू कहाँ बहती है आपको, रॉकीज पर्वत में। चिनू कहाँ बहती है, रॉकीज पर्वत को क्रॉस करके जो है उत्तरी अमेरिका में बहती है, तो बी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बी का एक भी बी वाले ऑप्शन में है, खाली एक ही में है ये भी। इसी प्रकार से सी है सिरोको, सिरोको कहाँ बहती है, सहारा मरुस्थल में, तो सी का क्या हो जाएगा, चार, और लू भारत में बहती है, तो डी का तीन हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर रक्त वर्षा होती है, कौन सी वर्षा होती है, रक्त वर्षा, ब्लड रेन, हाँ कहाँ होती है, इटली में। मैंने बताया था कि जो सिरोको हवा बहती है, कौन सी हवा बहती है, सिरोको, वो जो है अफ्रीका महाद्वीप पे सहारा मरुस्थल के ऊपर से बहती है, और सहारा मरुस्थल से जो रेत के कण हैं, लाल बालू के कण, लाल बलुआ पत्थर वहाँ ज़्यादा पाए जाते होंगे, तो उसके लाल बलुआ पत्थर के रेत के कण उड़ा करके हवा बहा करके ले जाती है और भूमध्य सागर के ऊपर से उड़ते हुए जाती है, तो भूमध्य सागर से क्या ग्रहण करती है, नमी, और भूमध्य सागर को क्रॉस करके, क्योंकि नक्शा मैंने पढ़ा दिया है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, शिवानी देख लेना एक बार नक्शा और वाला वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, मैंने पूरा यूरोप का पूरा नक्शा पढ़ा दिया है, जब तक हाँ देख लिया है, तो नक्शा जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये सब समझ नहीं पाओगे। तो भूमध्य सागर को क्रॉस करके इटली वगैरह है उसके आसपास जो है ये हवा जाती है और वहाँ पर वर्षा कराती है, तो कौन सी वर्षा होती है, रक्त वर्षा, ब्लड रेन, ठीक, तो इटली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, डॉक्टर पवन किसे कहते हैं, हाँ किसको कहते हैं, हर्मटन को। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं ऐसे ही, तो डॉक्टर, अब ये डॉक्टर हवा, इसको डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं, मैंने ये भी बताया था, हाँ अफ्रीका में गिनी का तट है, जहाँ गिनी का तट किसके आसपास स्थित है, विषुवत रेखा के आसपास, और विषुवत रेखा के आसपास मैंने बताया वर्षा रोज़ होती है, 2 बजे के बाद रोज़ वर्षा होती है, तो जहाँ पर रोज़ वर्षा होगी और नमी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है बड़ी ही असहनीय गर्मी होती है, चिपचिपाहट वाली, और ऐसे जगह पर दलदल क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है मच्छर मक्खी ये सब बहुत पैदा होते हैं, सीसी मक्खी यहाँ पैदा होती हैं, जो आदमी को काटती हैं मक्खियाँ, तो सीसी आदमी करता है, इसलिए सीसी मक्खी इनको कहते हैं, तो ये सीसी मक्खी यहाँ पैदा होती है, इनके पैदा होने से, इनके काटने से आदमी को बुखार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तमाम प्रकार की बीमारी होती है। लेकिन जैसे ही हर्मटन हवा आती है, कहाँ से आती है, सहारा मरुस्थल से, तो कैसी होगी, सूखी हवा, गर्म और सूखी होगी, जैसे ही गर्म और सूखी हवा गिनी के तट पर आती है हर्मटन नामक, और वहाँ पर नमी को क्या कर लेती है, सोख लेती है, ग्रहण कर लेती है, नमी खत्म हो जाती है, तो लोगों को राहत मिलती है, तो लोग कहते हैं हमारा इलाज हो गया, किसने कर दिया, हर्मटन ने इलाज कर दिया, इसलिए डॉक्टर पवन कहते हैं। 15वां प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल, मैंने बादलों का क्रम बताया था, हाँ पच्छाप सबसे ऊपर होते हैं, अभी देखना आप बादल बने हुए हैं, देखना पच्छाप सिरस बादल आपको दिखाई देंगे जा करके, अभी बाहर देखना, कल चक्रवात आया था, तूफान आया था, उसके बाद अब बादल उड़ रहे हैं, सिरस बादल उड़ रहे हैं, दिखाई दे जाएगा आपको, तो पच्छाप बादल, सिरस बादल हमारे सिर पे हैं, सबसे ऊंचे हैं, मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, तो पच्छाप बादल सबसे ऊंचे होते हैं। 3 कैटेगरी बादलों को डिवाइड किया था हमने, निम्न बादल, मध्यम बादल और उच्च बादल। उच्च बादल जो थे उसमें 3 कैटेगरी थे, पच्छाप बादल और पच्छाप कपासी बादल और पच्छाप अस्त्री बादल, इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना। और एक चौथा बादल बनता था वर्टिकल, लंबवत बादल बनता था, ठीक, लंबवत बादल बनता था, कौन सा, क्यूमुलो निम्बस बादल। तो अगला शायद वही प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, लंबवत विकास वाले बादल होते हैं कौन से, क्यूमुलो निम्बस बादल, वर्षा कपासी बादल, सी वाले, ठीक। 17वां प्रश्न है, संवहनीय वर्षा की अधिक संभावना कहाँ पाई जाएगी, संवहनीय वर्षा मैंने बताया था कहाँ होगी, विषुवत रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के आसपास, कारण क्या है, वहाँ पर जो है तापमान अधिक होता है और जलमंडल है, तो पानी गर्म होता है, तुरंत उसमें संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती, संवहनीय धाराएं मतलब लंबवत हवाएं बहती हैं, कैसे, लंबवत, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, तो ऊपर नीचे जाने के कारण जो है वर्षा होती है, जिसको संवहनीय वर्षा कहते हैं, तो ऐसी वर्षा कहाँ होगी, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक। 18वां प्रश्न, वृष्टि छाया प्रदेश किस प्रकार की वर्षा प्रक्रिया में देखने को मिलती है, वृष्टि छाया प्रदेश, हाँ पर्वतीय वर्षा में, किसमें, पर्वतीय वर्षा, देखो इसमें यह होता है, मैंने बताया था ये पर्वत है,
और इधर मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, स्थल जलमंडल है, यहाँ से हवाएं चली नमी ग्रहण करके, यहाँ से हवाएं चली नमी ग्रहण करके, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होता है, तापमान कम होगा और मतलब आ जाएगा कहाँ पर, ओशांक बिंदु पे, तापमान किस पे आ जाएगा, ओशांक बिंदु पे, और संघनन होने लगेगा, क्या होगा, संघनन होगा, संघनन होकर बादल बन जाएंगे, बादल होकर के वर्षा हो जाएगी। तो जिस ढाल पे हवा चढ़ रही है उस ढाल पे वर्षा हो जाती है, उस ढाल पे क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। लेकिन अब वर्षा होकर के हवाएं अपनी नमी तो गिरा दी, हल्की हो गई, तो अब हवा और भी ऊपर चढ़ेगी, हवा और भी ऊपर चढ़ेगी और दूसरे साइड में आ जाएगी, ढाल के दूसरे साइड में आ जाएगी, लेकिन पूरी पूरी नमी नहीं गिराई, यहाँ थोड़ी बहुत नमी तो रह जाएगी, कपड़ा वाला उदाहरण दिया था मैंने, तो यहाँ आकर के अपना थोड़ा बहुत नमी क्या करेगी, निचोड़ेगी, यहाँ वर्षा कराएगी, बहुत कम हल्की वर्षा, तो इसकी क्या पड़ेगी, छाया पड़ेगी, इस वर्षा की इधर क्या पड़ेगी, छाया पड़ेगी, तो इसीलिए इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्या कहते हैं, वृष्टि छाया, वृष्टि मतलब वर्षा, वर्षा की छाया पड़ रही, कहाँ पर, शैडो रेन रीजन, इसको बोलते हैं शैडो रेन रीजन। तो ऐसी भारत में कहाँ देखने को मिलती है, जो भारत में जो पश्चिमी घाट वाले पर्वत हैं, ये भारत का दक्षिणी भाग है, ओ तो यहाँ पर क्या है, जो है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट मतलब जो है सह्याद्री पर्वत, तो हवाएं अरब सागर से उठती हैं, इस तरफ वर्षा कराती हैं और इधर उतर करके क्या करती हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बनाती हैं। तो पूना जो है आपके इसके बाद इस तरफ है, पश्चिमी घाट के पूरब साइड में है, और मुंबई आपका जो है पश्चिमी घाट के पश्चिम में है, तो वर्षा जो है मुंबई में ज़्यादा होगी, पूना में क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न हम भारत पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। 19वां प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना, सूची वाला प्रश्न आ गया। अब हरिकेन कहाँ आते हैं, हरिकेन अमेरिका में आते हैं, तो ऐसे ही आप कोट में देख लो, इसमें भी आपको पहला वाला कोट मिल गया, ए वाले ऑप्शन में ही फर्स्ट है और बाकी किसी में नहीं है, ये तो मैंने जानबूझ के आसान बनाया है, नहीं तो आपको जब तक चारों प्रश्न नहीं हल करो कम से कम तीन तो देखने पड़ेंगे आपको। बी वाला है चक्रवात, चक्रवात भारत में बताया था, और विली विलेज मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया में, विली विलेज कहाँ रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चीन में, जापान में, ताइवान में, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक दो तीन चार ए वाले में सही हो जाएगा, 19वां प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, एक अगर पकड़ में आ जाता ना, आप चक्रवात पकड़ लेते, चक्रवात खाली पकड़ लेते भारत में बहती है चक्रवात, तो फिर आपको ए वाला ही सही हो जाता, इसलिए जो है ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से हल किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर, सही कथन चयन कीजिए। अब इसमें तीन कथन दिए हैं, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, सही है क्या, सही है, चक्रवात मैंने बताया था कि चक्रवात में जो है केंद्र में क्या होता है, हवाएं, हवाओं का दाब क्या होता है, न्यून होता है, न कम होता है, लो प्रेशर होता है, और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के सुई के अनुकूल घूमते हैं, गलत है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा गलत हो गया। अब देखो इसको हल करना है, आप तीसरा ऑप्शन पढ़ने से पहले क्या करो, अपने कूट में जाओ और देखो दूसरा वाला कौन कौन से में दिया है, बस वो वाले गलत हो जाएंगे, तो पहला में दिया है दूसरा, तो पहला गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, प्रश्न हल करने की इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, अर्थात आपने छटनी करना शुरू किया, उत्तरों को आपने अपने उत्तर से मतलब ऑप्शन से ही छांटना है। अगर आपको तीसरा ऑप्शन नहीं आता है, ऐसे प्रश्नों में आईएएस ऐसा प्रश्न बनाता है कि आपको चारों सही आएंगे ही नहीं कभी, लेकिन आप क्या करोगे, एलिमिनेशन करोगे, छांटना शुरू करोगे, तो आप देखो कि आपको दूसरा पता है, आपको क्या पता है, दूसरा पता है कि दूसरा हम 100% में जानता हूँ ये सही है, मतलब मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि मेरे ये ऑप्शन मैं जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ऑप्शन में क्या लिखा है, क्लॉकवाइज, तो आप देखो दूसरा गलत है, तो दूसरा कौन कौन से ऑप्शन में है, पहले में है तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा उत्तर, दूसरे में नहीं है तो इसको अभी छोड़ दो, तीसरे में सी वाले में दूसरा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और डी वाले में तीनों दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो आपको कौन सा मिल गया, बी वाला मिल गया, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन पद्धति, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, ऐसे मैं सिखाऊंगा। तीसरा ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये अपने आप ही जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है बी वाला मिल गया, बी वाले में पहला सही है और दूसरा सही, तीसरा सही है, सॉरी तीसरा सही है, तो तीसरा सही है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, प्रति चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात प्रति चक्रवात कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में,
तो पहला और तीसरा क्या हो गए, सही हो गए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। तो इस तरीके से इलिमिनेशन पद्धति से आप उत्तरों को छांट सकते हो आसानी से। ठीक है, पंद्रहवा वाला है, हाँ पच्छाव होते हैं उच्च। देखो उच्च वाले जो थे वो किस में थे, मध्य वाले बादल में थे, मैंने समझाया भी था मध्य वाले बादल में वहाँ उच्च लिखा मिलेगा, और ये भी समझाया था कि उच्च लिखा मिलेगा तो आप इसको मत मान लेना कि यही उच्च है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैं विशेष करके मतलब अंडरलाइन करके समझाता हूँ, और वही प्रश्न मैं दे दिया हूँ तो वो कन्फ्यूज हो गई है उच्च। अब बहुत लोग क्या करेंगे, तुरंत उच्च पे टिक लगा देंगे, लेकिन मैंने भी समझाया था पच्छाव पच्छाव सिरस अंग्रेजी में भी लिख दिया, इसीलिए अंग्रेजी में आते हैं प्रश्न, अंग्रेजी में भी देखना जरूरी रहता है। सिरस मैंने बताया था, सिर सबसे ऊपर है, सिर है, तो ये समझाया था, तो इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं था।